प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग समीप कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा 20 दिसंबर 2017 को शुरू करने का निर्णय लिया गया और जनवरी 2018 से जिसे लागू किया गया है, शुरू कर दिया गया है। समीप अर्थात स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंगेजमेंट प्रोग्राम, अर्थात समीप का नाम क्या है, स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंगेजमेंट प्रोग्राम, इसी को शॉर्ट में समीप कहा जाता है। इसके माध्यम से भारतीय विदेशी नीति को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारतीय छात्रों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इससे भारतीय विदेशी नीति को लेकर के फॉरेन पॉलिसी इन क्लासरूम की अवधारणा विकसित हुई है, अर्थात फॉरेन पॉलिसी इन क्लासरूम, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत में जो विदेशी नीति की चर्चा बड़े बड़े जो है कार्यक्रमों में होती थी, बड़े बड़े जो है लोगों के द्वारा की जाती थी, जिसमें जो है बड़े स्तर के अधिकारी शामिल होते थे, अब उस प्रक्रिया में आम विद्यार्थी, आम छात्र भी जुड़ जाएंगे और भारत के विदेशी नीति के पहलुओं को आसानी से समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हमारा देश किस तरीके से दुनिया में चुनौतियों का सामना कर रहा है और किस तरीके से अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ रहा है। इस नाते समीप कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छात्र और विदेश मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम है ये, जिसमें छात्र और विदेश मंत्रालय जुड़े हुए हैं। समीप भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है ताकि भारतीय छात्रों को दुनिया में भारत की जगह और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को बताया जा सके और भारत की विदेशी नीति एवं विश्वव्यापी कार्यप्रणाली को समझाया जा सके। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी या इससे ऊंचे अधिकारियों को अपने गृह नगर, होम टाउन, विशेषतया जहां से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा या शुरुआती शिक्षा ली है, वहां जाकर विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए जो है अवसर दिया गया है। यह अधिकारी और छात्रों को यह एक साथ जोड़ता है और भारतीय विदेशी नीति के आधारभूत तत्वों, प्राथमिकताओं और राजनय के संचालन, डिप्लोमेसी के संचालन, भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं, विदेश मंत्रालय के कार्य करने के तरीकों को छात्रों तक पहुंचाने की योजना है और यह अधिकारियों के द्वारा एक तरीके यह अधिकारियों के द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत के लिए जो अवसर और चुनौतियां हैं उनको छात्रों तक पहुंचाने का अवसर देता है। यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे कि समीप एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, यह विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को अपने गृह नगर या उनके अल्मा मेंटर में किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाने का विकल्प देता है, अर्थात एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। अगर कोई अधिकारी नहीं भी जाना चाहता है तो इसमें नहीं भी शामिल हो सकता, और दूसरी बात वो जिस कॉलेज में या स्कूल में जाना चाहता है वहाँ भी जा सकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी अनेक कॉलेज और स्कूलों में पढ़ता है तो उनमें से किसी का भी चयन करके वहाँ जा सकता है। समीप कार्यक्रम के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कार्यक्रम से क्या लाभ होगा, सबसे पहली बात तो यह छात्र और विदेश मंत्रालय को एक साथ जोड़ देता है। भारतीय विद्यार्थियों में अपने देश की वैश्विक छवि को लेकर के, अपने देश के वैश्विक चुनौतियों को लेकर के
अनेक प्रकार की आशंकाएं रहती हैं, सही से उनका उत्तर उन्हें अपने छात्र जीवन में नहीं मिल पाता है। इस नाते पहली बार समीप कार्यक्रम बना करके विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भारतीय छात्रों के साथ जोड़ा गया है और इसको जोड़ करके विदेश मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं को साझा करने का अवसर विद्यार्थियों के साथ दिया गया है। नंबर दो बात, भारत की विदेशी नीति और वैश्विक गतिविधियों के बारे में छात्रों के अंदर रुचि पैदा करना, छात्रों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, क्योंकि अगर छात्रों में इस प्रकार का इंटरेस्ट होगा तो निश्चित रूप से डिप्लोमेसी को करियर के रूप में वो आगे चल करके अपना सकते हैं, और जब डिप्लोमेसी या राजनय को करियर के रूप में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इससे भारत के विदेश मंत्रालय में आने वाले समय में बहुत अच्छे अधिकारी मिल सकेंगे। इस नाते कहा जाता है कि समीप कार्यक्रम इज़ नॉट ओनली टू गेट student to take interest into India's global ambition but also consider diplomacy as a career option. It means ये कार्यक्रम जो है छात्रों को diplomacy को career option के रूप में भी चुनने का जो है एक विकल्प देता है, और आगे चल करके वह अपने भविष्य में विदेशी नीति और उसके कार्यक्रमों को संचालित करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या फ़ायदा है? तीसरा, इसके माध्यम से इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस स्टोरी को, भारत के विदेशी नीति के सफलता की कहानी को सीधे छात्रों तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे भारत के गौरव को जानने का उन्हें मौका मिलेगा। जो समाज अपने गौरव को नहीं पहचानता है और अपने गौरव बोध की भावना से नहीं जुड़ा होता है, वह देश के निर्माण में और अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के अवसर से वंचित रह जाता है। इस नाते यह वह भी अवसर देता है। चौथा, इससे विदेश मंत्रालय का फंक्शनिंग कैसे होता है, विदेश मंत्रालय को कैसे संचालित किया जाता है, उसको भी छात्रों को बताने और साझा करने का अवसर मिल रहा है। इसके माध्यम से अधिकारी जो है आउटरीच मिशन अर्थात विदेश मंत्रालय और विदेशी नीति को सीधे छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। पांचवा बिंदु, इससे विदेशी नीति के प्राथमिकताओं और विदेशी नीति के क्या पिलर हैं, विदेशी नीति कैसे बनाई जाती है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है, इन सब को बच्चों तक बताना संभव हो पाता है, जिससे पहली बार जो है विदेशी नीति को बहुत गुप्त कार्यक्रम माना जाता रहा है, डिप्लोमेसी को गुप्त गतिविधि मानी जाती रही है, लेकिन इसके माध्यम से पहली बार जो है ऐसी चीज़ों को छात्रों और आम लोगों तक पहुंचाने की अवधारणा विकसित हो रही है। इसीलिए यह विदेशी नीति और उसकी विश्वव्यापी कार्यप्रणाली को समझाने के लिए आउटरीच मिशन माना जाता है, और इस आउटरीच मिशन से विद्यार्थियों में विदेशी नीति, डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पिलर्स और नेशनल इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों को जानने का अवसर मिल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते होंगे, समीप जो नाम रखा गया है ये बहुत ही खूबसूरत नाम है, लेकिन ये नाम कैसे सेलेक्ट किया गया? भारत सरकार की का एक पोर्टल है माई गवर्नमेंट पोर्टल पर पहले लोगों से, जनता से सुझाव मांगा गया था कि छात्र और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, छात्र और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम संचालित करने की योजना है, इसके लिए कौन सा नाम सबसे सटीक हो सकता है? तो छात्र और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निकट लाने के लिए 550 नाम के सुझाव विदेश मंत्रालय के पास आए। उन 550 नामों में से समीप नाम को चुना गया, और छात्र और विदेश
मंत्रालय का सहभागिता कार्यक्रम इस तरीके से तैयार हुआ और इसका नाम दिया गया स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंगेजमेंट प्रोग्राम, छात्र और विदेश मंत्रालय मामले का सहभागिता कार्यक्रम, छात्र और विदेश मंत्रालय के मामले का सहभागिता कार्यक्रम स्टूडेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंगेजमेंट प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार भारत की विदेशी नीति को आम लोगों तक, छात्रों तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस नाते यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारत सरकार ने विदेशी नीति को आम लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचा ही नहीं था। विदेशी नीति को, डिप्लोमेसी को गुप्त कार्यक्रम माना जाता था और इस नाते इसे जनता से हमेशा दूर रखा जाता था, लेकिन पहली बार भारत की सरकार ने इस तरीके की संकल्पना बनाई है और फॉरेन पॉलिसी इन क्लासरूम की अवधारणा विकसित की है कि क्लासरूम में विदेशी नीति को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है और इससे छात्रों के अंदर विदेशी जो नीति है और डिप्लोमेसी है उसके लिए कैरियर ऑप्शन की भावना को जगाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर आस्क द स्पोक्स पर्सन कार्यक्रम चला रखा है। आस्क द स्पोक्स पर्सन, इसमें कोई भी व्यक्ति विदेशी नीति से जुड़े हुए प्रश्न को विदेश मंत्रालय से पूछ सकता है और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसके अंतर्गत जवाब दिया जाता है। अर्थात भारत की सरकार विदेशी नीति को समावेशी बनाना चाहती है, इंक्लूसिव बनाना चाहती है, इसको लोगों तक ना केवल पहुंचाना चाहती है बल्कि भारत के विदेशी नीति में क्या सुझाव जनता का हो सकता है, विदेशी नीति में जनता की क्या भावना है, उसके बिंदुओं को भी समझना और जानना संभव हो पाता है। इस नाते समीप कार्यक्रम बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी कार्यक्रम माना जा सकता है और यह पहली बार भारत में विदेशी नीति को आम जनता से जोड़ने का अवसर देता है और फॉरेन पॉलिसी इन क्लासरूम की अवधारणा विकसित करता है और भारत की विदेशी नीति को समावेशी बनाता है।